नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NVS PGT कट ऑफ 2019 के बारे में। क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या संभावित कट ऑफ होगी, कितने नंबर पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई अपडेटें मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की, क्या कट ऑफ हिस्ट्री की रह सकती है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 120 से लेकर के 125 के बीच में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं ओबीसी जनरल ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, तो यहाँ जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है इनकी, यानी 118 से लेकर के 120 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। ये कट ऑफ जो लास्ट कट ऑफ है, जो उसको देख करके बनाई गई है कि हर साल कट ऑफ कुछ ना कुछ थोड़ी सी इंक्रीज होती है। अगर हम वही बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी कट ऑफ है यानी कि 110 से लेकर के 115 के बीच में रह सकती है। और वहीं एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी 100 प्लस या थोड़ी प्लस माइनस 5 या हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो एसटी में 2 या 3, 4 या 5, 6 इस तरह की वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है। इसलिए कट ऑफ का हाई होना स्वाभाविक हो जाता है। और एक में जो पार्ट 5 है वो आप क्वालिफाई नेचर का है, तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी कम और हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ रह सकती है बायोलॉजी की। तो बात करें जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में इसकी कट ऑफ जो है वो 122 से लेकर के 125 के बीच में रह सकती है। वहीं ओबीसी के लिए 118 से 120, एससी के लिए 108 से लेकर के 115 के बीच में, और वहीं एसटी के लिए 100 प्लस, या हम हर बार कहेंगे कि माइनस 5 या एसटी में आप कर सकते हैं माइनस 5 या माइनस या प्लस 5, 100 प्लस रह सकती है और माइनस 5 भी यहाँ हो सकती है। वहीं बात करें हम, अब बात करते हैं एनबीएस पीजीटी कट ऑफ ज्योग्राफी के बारे में कि कितनी कट ऑफ ज्योग्राफी की रह सकती है। हालांकि यहाँ पर प्लस 5 आपको करना ही पड़ेगा। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ 115 से लेकर के 120 के बीच में यह कट ऑफ रह सकती है, आप अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं। वहीं अगर बात करें ओबीसी के लिए तो 112 से 115 के बीच में, एससी के लिए 105 से लेकर के यहाँ पर 110 के आसपास रह सकते हैं, आप 110 कर लेंगे। और वहीं एसटी के लिए 95 प्लस आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, इकोनॉमिक्स की कट ऑफ जो है जनरल के लिए 125 प्लस हो सकती है, ओबीसी के लिए 120 प्लस, वहीं एससी के लिए 115 प्लस, और एसटी के लिए यहाँ पर 100 प्लस यहाँ कट ऑफ रह सकती है इकोनॉमिक्स की। कभी कभी इकोनॉमिक्स की कट ऑफ ज़्यादा हाई चली जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब यहाँ हम बात करें हिंदी, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ कट ऑफ हमेशा से टीजीटी पीजीटी में सबसे ज़्यादा रहती, चाहे वो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो, केबीएस का एग्ज़ाम हो, डीएसएससी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा से हिंदी कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहती है। हम यही बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में 125 से लेकर के 130 के बीच में हिंदी की कट ऑफ रह सकती है। वहीं बात करें ओबीसी, तो ओबीसी कट ऑफ जो है वो 120 से 125 के बीच में, यानी कि जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। आजकल एक कोटा बना हुआ ईडब्ल्यूएस का, उसकी कट ऑफ भी आप जनरल के बराबर ही मान सकते हैं उसको। एससी की जो कट ऑफ है वो 115 से लेकर के 118 के बीच में यहाँ रह सकती है, वहीं एसटी की कट ऑफ 100 प्लस या 95 प्लस यहाँ आपकी रह सकती है। अगर आप कितने अंक हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एनबीएस पीजीटी इंग्लिश कट ऑफ, क्या कट ऑफ रह सकती है इंग्लिश की। अगर बात करें सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की, अगर आपके नंबर 118 से लेकर के 120 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि इसका जो कुछ पार्ट जो ऐसे थे, कुछ पार्ट बहुत डिफिकल्ट थे, कुछ पार्ट इजी थे, कुछ पार्ट मॉडरेट थे, तो हम इसको मान सकते पेपर जो है मॉडरेट लेवल का रहा है बहुत सारा, और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे थे जो डिफिकल्ट रहे हैं,
तो उसको देखते हुए ये एक अनुमानित कट ऑफ है। ओबीसी कैटेगरी जो है उसकी कट ऑफ जो है 115 से लेकर के 118 के बीच बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कैटेगरी में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। वहीं एससी में यानी कि 110 प्लस हो सकती है और एसटी में 105 प्लस या कहें आप 100 प्लस, यानी 100 से लेकर के 105 के बीच में एसटी कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि एसटी कैंडिडेट भी कम होते हैं, पोस्टें भी कम होती हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चले जाती कम रहती है। वहीं बात करते हैं फिजिक्स कट ऑफ के बारे में, यानी फिजिक्स की कट ऑफ जो है जनरल के लिए 122 से 125 के बीच में और ओबीसी के लिए 120 से 125 के बीच में, वहीं एससी के लिए 110 प्लस और वहीं एसटी के लिए 100 प्लस रह सकती है। फिजिक्स के लिए आप यहां पर प्लस माइनस 5 और प्लस 5 कर सकते हैं कि ये 5 नंबर आगे पीछे हो सकती है या इसी के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि एसटी में कट ऑफ जो है 100 से नीचे भी आ सकती है। वही बात करें कंप्यूटर साइंस की, अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में जो कट ऑफ है यानी कि वो जनरल के लिए 122 प्लस, ओबीसी के लिए 120 प्लस, एससी के लिए 115 प्लस और वहीं एसटी के लिए 100 प्लस कट ऑफ रहने की संभावना है। वही बात करें मैथमेटिक्स की, इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, यह बात जनरल की 110 प्लस रह सकती है, ओबीसी की 105 प्लस, वहीं एससी के लिए 95 प्लस और एसटी के लिए 80 प्लस के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर आपके इसके आसपास है तो आप अपने आप को यहाँ सेफ समझ सकते हैं। तो अगर हम भाई बात करें केमिस्ट्री कट ऑफ के बारे में, केमिस्ट्री कट ऑफ कितनी रह सकती है, जनरल के लिए 110 से लेकर के 115 के बीच में, ओबीसी के लिए 105 से 110 के बीच में, वहीं एससी के लिए 100 प्लस और एसटी के लिए 90 प्लस कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये जो कट ऑफ है इस कट ऑफ में आप यानी कि -5 से लेकर के 8 नंबर तक इसको -5 या -8 या +2 या +3 कर सकते हैं। अगर आपके इसी के पास अगर कट ऑफ आपकी रहती है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और आप सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये था एक कट ऑफ के बारे में। अगली वीडियो जो होगी आपकी पीजीटी की होगी, क्योंकि आप पीजीटी का एग्जाम दिया होगा, वो भी एक संभावित एक अनुमानित कट ऑफ है, थोड़ा सा आगे पीछे इसका रेशियो हो सकता है और कट ऑफ जो होगी इसी के आसपास घूमती रहेगी। अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप अपने आप को सेम समझ सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी नई नई अपडेटें मिल सकें। धन्यवाद।